चलिए आज हम इस तरह से आलू और कोड़ी की भुजी बनाते हैं जो खाने में यमी और डिलीशियस लगते हैं, और उसके साथ पूड़ियाँ मिल जाए तो मज़े ही अलग है। चलिए फिर हम इस तरह से बनाते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद होगी आप सब ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका मैं चैनल पर स्वागत है, साधिका नूर रहीन किचन में। आज की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू कोड़ी की मजेदार सी सब्जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून मैंने रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है, और मैंने यहाँ पे हींग डाल दिया है। हींग और पचफोड़न से हम इसको तड़का देंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने हींग और पचफोड़न से तड़का दे दिया था। अब हम यहाँ पे लहसुन की कलियाँ डालेंगे। यहाँ पे मैंने 25 से 30 पीस लहसुन को अच्छी तरह से छील करके कट कर लिया है, हाफ हाफ इंच, हाफ हाफ टुकड़ा कर लिया है। यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक। अब देख सकते हैं, अब हम इसमें 2 पीस यहाँ पे मैंने ओनियन चॉप कर लिए है अच्छी तरह से, मैंने इसको बारीक चॉप किया हुआ है, और मैंने इसको पहले से ही वॉश कर दिया था। इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे ओनियन बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें ये जो मैंने 1 केजी पंपकिन कट किया हुआ है अच्छी तरह से वॉश करके हम इसको डाल देंगे। आप देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसको कट किया है। अब हम इसको इस तरह से चला देंगे, मिक्स करेंगे पूरा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 250 ग्राम आलू लिया हुआ था, और मैंने इसको इस तरह से कट किया हुआ है। आप देखिए, आप भी इसी तरह से कट कर लीजिएगा छोटे छोटे कुछ टुकड़े। और यहाँ पे मैंने 4 से 5 इंच हरी मिर्च बारीक कट कर ली है चॉप करके। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया हुआ है। अब हम इसको डालेंगे, हमें ज्यादा रेड चिली पाउडर का यूज नहीं करना है। अब हम इसमें हाफ बॉल पानी डालेंगे। अब देख सकते हैं हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। हम इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे, हम इसे कवर कर देंगे, और 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे इसे ढक इससे इसको ढक देंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कवर कर दिया इसको, कढ़ाई को एकदम, और 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे छोड़ देंगे। लो फ्लेम कर देंगे हम इसकी, और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। आप देख सकते हैं सब्जियां बिल्कुल हो चुकी हैं, ये देखिए। अब हम इसे चेक करते हैं, देखिए आलू बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है, ये देखिए। अब हम ये जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना, हम एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल जला देंगे, और सब्जियों को अच्छी तरह से भून देंगे जब तक ऑयल बाहर ना आ जाए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सब्जियां बहुत अच्छी तरह से हो चुकी हैं, भून चुकी है, और देखिए सारा एक्स्ट्रा ऑयल बाहर आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और हम इसे सर्व करने के लिए सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। ते हैं आलू कोड़ी की मजेदार सी भुजी बन करके रेडी है, और उसके साथ मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ फ्राई की थी। आप देख सकते हैं बिल्कुल फुली फुली सी बनी थी, ये देखिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।